नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। बॉलीवुड के महानायक कहें या फिल्मों के शहंशाह, अमिताभ बच्चन आज भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं। बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन आज अपना 78वां जन्मदिन मना रहे हैं। बिग बी के जन्मदिन के खास मौके पर उनके फैंस उन्हें अलग अलग अंदाज में बर्थडे विश कर रहे हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं। लेकिन आज हम आपको अमिताभ बच्चन के एक इतने बड़े फैन से मिलाने जा रहे हैं जो सिर्फ उनकी तस्वीरें ही नहीं कलेक्ट करते हैं बल्कि बिग बी के बर्थडे पर पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा देते हैं। जी हाँ, गुजरात के रहने वाले बिग बी के इस फैन ने अमिताभ बच्चन की 7000 से ज्यादा तस्वीरें जमा की हैं। इतना ही नहीं, ये हर साल बिग बी के जन्मदिन पर 11 पौधे भी लगाते हैं। गुजरात के सूरत में रहने वाले दिव्येश इतने बड़े फैन हैं कि वो हाल फिलहाल से ही नहीं बल्कि पिछले कई सालों से बिग बी की तस्वीरें इकट्ठा कर रहे हैं। बता दें कि दिव्येश 1999 से एक्टर अमिताभ बच्चन की तस्वीरें जमा कर रहे हैं। दिव्येश कहते हैं, मैंने अमित जी की 7000 से अधिक तस्वीरें एकत्र की हैं और उनसे मेरे जीवन के 10 अवसरों पर मुलाकात की है। मैं हर साल उनके जन्मदिन पर 11 पौधे लगाता हूँ। मैंने 1999 से कलेक्शन स्टार्ट किया है जिसमें उनकी छोटे से छोटी पासपोर्ट साइज फ़ोटो, फिर पॉकेट साइज़ फ़ोटो, न्यूज़पेपर, मैगजीन वगैरह के कटिंग, ग्रामोफोन, वीसीडी, डीवीडीज, एलपी, ऑडियो कैसेट वगैरह, इन सब चीज़ों का कलेक्शन किया है जिसमें मेरे फ़ोटोज़ का कलेक्शन अब तक 7000 के ऊपर पहुँच चुका है। उनका एक पासपोर्ट पोस्ट कार्ड साइज़ का कलेक्शन है और बहुत पुरानी जो छोटी छोटी फ़ोटोज़ आती है वो अब किसी के पास मिलना बहुत मुश्किल है। मैं लाइफ में उनसे 10 बार मिल चुका हूँ जिसमें सापूतारा फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम केबीसी, आज की रात जिंदगी थर्ड टाइम, उनके बंगले पे, फिर सूरत में जब आए थे तब, और टोटल ऐसे मिला के 10 बार हुआ है। अमिताभ बच्चन के अगर बॉलीवुड के सफ़र की बात करें तो आज भी वो बड़े पर्दे पर दिखते हैं। अमिताभ बच्चन ने अपनी पहली फिल्म से ये साबित कर दिया था कि वो इंडस्ट्री में लंबी पारी खेलने आए हैं। हालांकि शुरुआत में अमिताभ बच्चन के लिए काफी स्ट्रगल का दौर रहा। वो हर जगह कभी अपनी लंबाई के कारण तो कभी लुक्स के कारण रिजेक्ट होते रहे थे। लेकिन इन सब के बीच अमिताभ के भाई अजिताभ बच्चन को उन पर काफी भरोसा था। इसी बीच साल 1969 में उन्होंने सात हिंदुस्तानी नाम की मूवी से एक्टिंग दुनिया में अपना सफर शुरू किया था। इसके बाद 1971 में आई अमिताभ बच्चन की फिल्म आनंद ने उन्हें जबरदस्त शोहरत दिलाई। इस फिल्म के लिए अमिताभ को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। फिर तो जैसे अमिताभ बच्चन रुके ही नहीं, उन्होंने अपने करियर में कई हिट, सुपर हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। हालांकि इस बीच दौर बुरा भी आया लेकिन बिग बी ने हार नहीं मानी और फिर से आसमान की बुलंदियों को छुआ। वहीं अमिताभ बच्चन के जन्मदिन के मौके पर उनके घर के आसपास की सुरक्षा को काफी बढ़ा दिया गया है ताकि बिग बी के घर के सामने भीड़ ना लगे और कोरोना महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। इसका पालन कराने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। लेकिन खबर है कि इस बार अमिताभ बच्चन भी अपना जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं करेंगे। इस बार उनका जन्मदिन बहुत ही शांत रहने वाला है। लेकिन इस महामारी की एक अच्छी बात ये है कि अमिताभ बच्चन के जन्मदिन पर उनकी पूरी फैमिली एक साथ होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।